एनटीए ने इस बार सरप्राइज दिया है सबको, इस बार यूजीसी नेट एग्जाम होगा ऑफलाइन। ये सरप्राइज सबके लिए बड़ा है। अब जो लोग शुरू से 2-3 सालों से ऑनलाइन दे रहे, उनको पता है ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, बट काफी लोगों को जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनको ये नहीं पता कि ऑफलाइन एग्जाम होता कैसे, तो वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो में अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म, और आपका स्वागत है फिल्लर फॉर्म पे। तो गाइस फिल्लर फॉर्म ने अपना क्रेज कोर्स लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर आपको पेपर वन के साथ पेपर सेकंड का भी बैच मिलेगा, जहाँ पर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू, पीवाईक्यू जैसा पैकेज मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए फिल्लर फॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए या दिए गए नंबर पर आप क्वेरी करें। अब बात करते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है गाइस जहाँ पर आपको बिना इंटरनेट के आपको एग्जाम देना होगा। जैसा आप लोगों ने कॉलेज में दिया है, आपको एक पेपर दिया जाता है और एक आंसर शीट दी जाती है, बट वो थ्योरी पेपर होता है। ये होता है ओएमआर शीट। जो ओएमआर शीट होती है वो कैसे होती है, मैं आपको एक बार कोई दिखा देता हूँ गाइस। ऐसे राउंड होता है, ठीक है। इसमें गाइस क्या होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन है उसके 4 डॉट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, करीब कभी कभी एग्जाम में 5 डॉट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, जैसे अभी एक क्वेश्चन का आंसर होगा ए, तो आपको एक और राउंड राउंड फिल करना पड़ेगा। ऐसा होता है ऑफलाइन एग्जाम। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने एक बार राउंड फिल कर दिया तो आप दोबारा फिल नहीं कर पाओगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि आप पहले पेपर में ही कर लो टिक। अब क्या करना है, जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में आपको पहले टिक करना है। पेपर में टिक कर लिया, फिर सबसे एंड में आपको बननी है ओएमआर शीट। जैसे मान के चलो 2.5 घंटे हो गए, अब आधे घंटे में आपको ओएमआर शीट बननी है। पेपर में सोल्व कर लो, पेपर में कर दो टिक। ओएमआर शीट हैंड टू हैंड मत बनना, ये गलती काफ़ी लोग करते हैं। क्योंकि गाइस जो एसएससी का एग्जाम होता है रेलवे के, हमें पता है, और ये गलती मैं आपको बता रहा हूँ, गलती मत करना। पहले पेपर में सोल्व करो, फिर ओएमआर भरना। और ओएमआर भरना कैसे है वो आपको वहाँ पर जो गाइडेंस होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो समझाएंगे। ओवर स्मार्ट मत बनना। मुझे आता है भाई, देखो हर एक एग्जाम का रूल अलग अलग होता है, तो जैसे बोले वैसे ही करना है आपको। और गाइस अगर आपको ओएमआर सीट का एक, मैंने एक और वीडियो बना दिया, बिल्कुल रियल बनाया, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और सभी को ऑल द बेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।